हाय गाइस, वेलकम टू फरी फ्रेंड। आज हमारी ट्रेनिंग की वीडियो है और बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करी है आप लोगों ने इस वीडियो के लिए। आज हम सीखेंगे वीडियो में सिर्फ प्रिटी, जिसको आप नमस्ते भी सिखा सकते हैं, जिसको आप सल्यूट भी सिखा सकते हैं। वर्ड की चॉइस आपकी है, मैंने बड़ी को सिर्फ प्रिटी सिखाया है, तो हम सीखेंगे इस वीडियो में वो ट्रेनिंग करना। तो इस ट्रेनिंग के लिए सबसे पहले तीन रिक्वायरमेंट्स हैं। पहली रिक्वायरमेंट, स्टे। पहले रिक्वायरमेंट इस ट्रेनिंग के लिए यह है कि आपका पपी एटलीस्ट 4 मंथ का तो हो ये ट्रेनिंग सीखने के लिए। इसलिए यू नो ये ट्रेनिंग आप बिल्कुल लास्ट में सिखाएं, क्योंकि मैंने भी बहुत बिल्कुल लास्ट में सिखाई थी ये ट्रेनिंग। और क्योंकि इसका रीज़न ये है कि यू नो सिर्फ प्रिटी के लिए पपी का सारा वेट उसके यू नो बिल्कुल नीचे वाली 2 लेग्स पे होगा, तो वो बहुत ज़्यादा वेट हो सकता है यू नो, और मसल्स उनकी उतनी डेवलप नहीं होती है आप बहुत यंग एज में। तो एटलीस्ट 4 महीने के बाद ये ट्रेनिंग सिखाएं, तो पहला रूल था ये। सेकंड रूल है, ट्रेनिंग हमेशा एक बहुत ही यू नो हार्ड सरफेस पे सिखाएं, कोई सॉफ्ट सरफेस जैसे कि बेड या फिर यू नो ऐसी चीज़ पे ना सिखाएं, क्योंकि उस पर स्टेबिलिटी नहीं होगी। वो यू नो हो सकता है वो गिर जाए साइड में या आगे गिर जाए, वो ठीक से बैठ भी नहीं पाएगा। और यू नो कोई स्लिपरी सरफेस पे ना सिखाएं। हमारा ये वुडन फ्लोर है, ये अभी भी थोड़ा सा स्लिपरी है, बट बड़ी सीख चुका है तो वो कर लेता है उसके ऊपर। थर्ड रूल इसका ये है कि जब पपी को सिट कमांड ऑलरेडी आती हो, तो इस यही रीज़न है कि ये ट्रेनिंग आप बिल्कुल लास्ट में सिखाएं, क्योंकि अनलेस वो सिट कर पाएगा वो ये ट्रेनिंग भी नहीं कर पाएगा। तो या थर्ड रूल ये है कि पपी को जो पपी सिटिंग होती है यू नो जो जैसे बडी आपने देखा होगा हमारी वीडियोज़ में, कई बार एक लेग पर बैठता है, तो कई बार बड़ी एक लेग पे बैठता है। आप अगर वो एक लेग पे बैठेगा तो वो सिर्फ प्रिटी या नमस्ते ट्रेनिंग नहीं कर पाएगा, उसको दोनों लेग्स पे बैठना ज़रूरी है, ताकि तो उसी से उसकी स्टेबिलिटी आएगी। मैं आपको दिखाता हूँ मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। बारी अब बॉय से अभी तक वो स्लिप कर रहा है और दूसरा वो एक हिप पे बैठा हुआ है, यू नो एक लेग पे बैठा है, तो ये बिल्कुल गलत पोजिशन है ये ट्रेनिंग सीखने के लिए। तो ये ट्रेनिंग तभी काम करेगी जब वो दोनों लेग्स पे बैठा होगा, तो इसके लिए हम पहले उसको ठीक करेंगे। बड़ी अप बॉय, गो बॉय, गो बॉय, सिट, गुड बॉय। अब देखो वो दोनों लेग पे बैठा है, ये है करेक्ट पोजीशन जिसमें हम उसको सिखाएंगे। तो मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ ट्रेनिंग का पहले, और फिर मैं आपको डेमो करके दिखाऊंगा। तो कॉन्सेप्ट ट्रेनिंग का ये है कि पपी या डॉग सिट पोजीशन में हो, दोनों लेग्स पर हो, हार्ड सरफेस हो, स्लिपरी ना हो। और फिर आप क्या करें, जब एक बार सिट पोजीशन में हो, आप ट्रीट ले हाथ के अंदर। मैंने इसमें ट्रेनिंग ट्रीट्स ले रखी हैं, ये चिकन की बनी होती हैं, कोई भी ट्रीट ले सकते हैं आप चाहे तो वेजीज लाइक मटर गाजर से भी आप उसको सिखा सकते हैं ट्रेनिंग, यू नो अनलेस जब तक आपके हाथ में फूड होगा आपका पपी या डॉग यू नो आपका ट्रेनिंग की कमांड फॉलो करेगा। तो ट्रेनिंग सिट पोजीशन में लाए, उसके ऊपर ओके स्टे, तो ट्रीट को धीरे धीरे उसके मुंह के ऊपर लेके जाएं, तो उससे वो ट्राई करेगा यू नो थोड़ा सा जंप मारने की, थोड़ा सा उसको लेने की। पर आप यू नो इस ट्रेनिंग में थोड़ी सी गलती ये भी होती है कि कई बार पपी सिट से उड़ जाता है, यू नो जंप मारने की कोशिश करता है। अगर वो ऐसा करे तो आप उसको ट्रीट ना दें और उसको करेक्ट करके नो बोल के वापस से उसको सिट पोजीशन ला के फिर से ट्राई करें। तो लेट मी शो यू मैं क्या करना चाहता हूँ। बारी सर गुड बॉय, अभी वो बिल्कुल गलत पोजीशन पे बैठा है, तो इसमें ट्रेनिंग नहीं होगी क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी नहीं आएगी, उसके एक पैर पे जोर पड़ेगा तो यू नो उसके पैर में दर्द हो सकता है यू नो, तो ये बिल्कुल इनकरेक्ट पोजीशन थी। बारी अप गुड बॉय, नो अप गुड बॉय। अब देखो वो ये परफेक्ट पोजीशन है, नो ये बिल्कुल ये अभी इनकरेक्ट पोजीशन है, फिर से बारी अप गुड बॉय, नो अप ओके। तो अब मैं क्या करूंगा, इसकी पोजीशन ठीक करने के बाद मैं वर्ड का यूज नहीं करूंगा, पहले उसको मैं एक्शन सिखाऊंगा। आपने देखा ये तो थोड़ा इजी हो गया क्योंकि बड़ी को आता है, यस गुड बॉय। तो बेसिकली आइडिया यही है, तो हम उसको ट्रीट देंगे, थोड़ा सा मुंह के ऊपर लेके जाएंगे और हम ट्राई करेंगे जब वो दोनों पैर हवा में उठाएगा, तो इस पोजीशन में हम उसको बोलते हैं कि सिर्फ प्रिटी या फिर नमस्ते, क्योंकि ये पोजीशन ऐसी लगती है कि वो नमस्ते कर रहे हैं। तो बड़ी और धीरे धीरे ड्यूरेशन भी बढ़ाऊंगा। तो अभी देखा कि मैंने उसको यस बोल के एकदम से ट्रीट दे दी है,
और हो सकता है मैं अभी थोड़ा सा होल्ड करूँ, 4 सेकंड के बाद दूँ, 6 सेकंड के बाद दूँ, धीरे धीरे आप उसकी ड्यूरेशन भी बढ़ा सकते हैं। इस ट्रेनिंग के लिए कोई ऐसे सपोर्ट की जरूरत नहीं है, आपको लग रहा होगा कि यू नो क्या उसको बैक में सपोर्ट की जरूरत है, क्या आगे आगे ना गिरे तो आगे सपोर्ट की जरूरत है, इसमें कोई सपोर्ट की जरूरत नहीं है। अगर पपी यू नो उसके लोअर मसल्स ऑलरेडी डेवलप हैं तो वो आराम से ट्रेनिंग कर लेगा, बड़े तो खड़े होकर भी ट्रेनिंग कर लेता है। गुड बॉय, यस गुड बॉय, गुड बॉय। Yes, good boy. Sit pretty. Sit pretty. Yes, good boy. Okay, good boy. Sit pretty. Yes, good boy. तो अभी आप देख रहे हो कि मुझे वो बड़ी मेरा हाथ पकड़ के थोड़ा सा ट्रेनिंग कर रहा है, तो यू नो अभी थोड़ी सी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं इसके ऊपर। परफेक्ट सिट प्रेटी तो ट्रेनिंग यही होगी जब वो मेरा बिना हाथ पकड़े करेगा, और यू नो एवरीडे ट्रेनिंग करे, और एक दिन वो भी आएगा जब बड़ी भी बिना बिना हाथ पकड़े ट्रेनिंग करेगा, सिट प्रेटी करेगा। तो एक बार फिर से ट्राई करते हैं, बड़ी कम आपने देखा कितना लेजी है, उसने एक पैर के ऊपर ही कर लिया। तो एक बार फिर से ट्राई करते हैं, वैसे गुड बॉय, सिट प्रीटी, यस गुड बॉय, ओके सिट प्रीटी, यस गुड बॉय, सिट प्रीटी, यस गुड बॉय, सिट प्रीटी, गुड बॉय। तो ये होती है सिट प्रीटी की ट्रेनिंग। आप वर्ड की चॉइस आपकी है, आप उसको नमस्ते बोल सकते हैं, सलूट बोल सकते हैं, जैसा मर्जी आप उसको वर्ड सिखाएं। और बड़ी सेज बाय टू यू, बड़ी से बाय टू द व्यूअर्स, बड़ी से बड़ी नमस्ते, बड़ी हाई फाइव करके दिखा रहा है आपको। ओके बाय।